वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़। आज मैं उठी 8:30 पे बिकॉज़ मैं थोड़ा लेट सोई थी रात को। वैसे तो मुझे लेट सोना अच्छा नहीं लगता, बट आई डोंट नो, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरा नींद शेड्यूल की पूरी बैन पड़ चुकी है। जब मैं इंडिया में लाइक जल्दी सो जाती थी, यहाँ मेरे को रात रात भर नींद नहीं आती है। सो मैं 8:30 उठी एंड देन फिर मैंने अपना दिन स्टार्ट किया। मैं बात ले चुकी हूँ, वायल ऐसा लगता नहीं है कि मैंने बात ले लिया मेरे बालों को देख के, बट आई हैव ऑलरेडी टुक अ बाथ और मेरी क्लास स्टार्ट होती है लाइक 11 o'clock। आज सिंस थर्सडे है, थर्सडे को मेरा लिटरली शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है बिकॉज हमारी दो ही दिन क्लास होती है, एंड लाइक ऑन मंडेज एंड ऑन थर्सडेज, एंड देन वी हैव एन ऑनलाइन क्लास ऑन ट्यूजडेज। तो आज सिंस मेरी ऑफलाइन क्लास है, सो आई हैव टू गेट रेडी। आई एम ऑलरेडी लेट, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता जब मैं लेट होती हूँ, बट इट्स लाइक कि अगर मेरी जैसे 11 o'clock क्लास है फर्स्ट, तो आई हैव टू टेक अ बस एट 10 टू रीच देयर बाय एटलीस्ट 10:45 और 10:50 बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक अ स्लो वॉकर। तो मुझे चलते चलते भी लाइक एक अरसा ही लग जाता है, तो आई हैव टू बी एटलीस्ट 10 minutes अर्ली बिकॉज बस स्टॉप पर उतारती एग्जैक्टली, कॉलेज के सामने तो उतारती नहीं है। एंड देन वाइल आई डोंट डू एनीथिंग एग्जैजरेटिव लाइक आई डोंट डू मेकअप एंड ऑल दैट स्टफ, बट वन थिंग दैट आई हैव लर्नड आफ्टर कमिंग हेयर दैट अ मॉइस्चराइजर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे लाइक इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि जिस दिन से मैं आई हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोज दिन प्रतिदिन करके मेरी स्किन फटती ही जा रही है नो मैटर व्हाट आई अप्लाई और व्हाट आई डू ऑन माय स्किन। जबकि मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ एक्सेप्ट बोरोप्लस बिकॉज इट्स एन एंटीसेप्टिक एंड इट इज़ यूज फॉर लाइक एवरी अदर थिंग, बट स्टिल आई फील दैट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा चेंज हुई है यहाँ आके। रोज कुछ ना कुछ होता रहता है एंड सम हाउ देयर इज दिस नेचुरल ब्लश कमिंग आउट, जो कि एग्जैक्टली ब्लश नहीं है बट एटलीस्ट रेडनेस है मेरी स्किन पे। एंड जिन लोगों को लाइक जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता ही है कि मेरा अर्ली मॉर्निंग फेस कितना पफी रहता है। बैक एट होम मैं लाइक आइस लगा लेती थी, बट यहाँ तो वो भी करने की हिम्मत नहीं होती मेरे को बिकॉज इतनी ठंड में आई डोंट थिंक कि मैं अपने फेस पे आइस लगा सकती हूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं अपना फेस डबल मॉइस्चराइज करूँ, दो मुझे अपना स्किन बिल्कुल चिपचिपी नहीं पसंद है, बट सिंस अब हम ऐसी लिविंग कंडीशंस में आ गए हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, सो अब हम कुछ कर नहीं सकते। सो अ लिटल अबाउट माय कॉलेज कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं MBA कर रही हूँ इन बिजनेस लीडरशिप एंड प्रैक्टिस, एंड जैसे मैंने बताया हमारी क्लासेस सिर्फ 2 days a week होती है। मंडे को हमारी 2 classes होती हैं एंड देन थर्सडे को भी हमारी 2 classes होती हैं, बट इट्स लाइक कि मंडे को हमारी सिर्फ 1 hour की क्लास होती है, वेयर एज ऑन थर्सडेज वी हैव अ 2 hour क्लास, लाइक 2 hours की 2 classes होती हैं। इट्स लाइक 11 to 2 एंड देन वी हैव अ ब्रेक 1 घंटे का बीच में, एंड देन इट्स लाइक 3:45 समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली टाइम टेबल याद नहीं है तो मुझसे मत पूछना, बट ये ऐसा ही समथिंग कुछ है। एंड सिंस ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली ट्राई सेमेस्टर का 5th or 6th week चल रहा है, तो आज हमारे ग्रुप्स भी बनेंगे। सो आई एम होपिंग कि मेरे को अच्छा सा ग्रुप मिले बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्स नहीं होते, एटलीस्ट मास्टर स्टूडेंट्स के नहीं होते जैसे मैंने देखा है, बट वी हैव टू टर्न इन आर रिपोर्ट जो कि हमें एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे बनानी होती है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि जो मेरा ग्रुप बने वो थोड़ा एफिशिएंट हो और मैं जल्दी से ख़त्म कर सकूँ सो दैट आई कैन एन्जॉय माई वेकेशन, बिकॉज टेक्निकली जब तक यहाँ पे वेकेशन होगी आफ्टर माई दिस ट्राई सेमेस्टर, तो यहाँ पे धूप निकलेगी एंड आई कैन गो आउट बिकॉज पीपल हु नो मी दैट आई एम अ जादू फ्रॉम कोई मिल गया मूवी, सो आई नीड माई विटामिन डी। सो अब मैंने फेस पे लगा लिया है और इसके अलावा मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, सो लेट्स जस्ट गेट रेडी एंड देन आई विल शो यू माय आउटफिट। गाइस आउटफिट तो मैंने बदल लिया बट थोड़ा सा कांड हुआ है। सो टेक्निकली मैंने ये न्यू बेल्ट ली थी, सो ये बेल्ट मैंने पैंडलून से ली थी एंड टेक्निकली आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये मेरे फिट आ जाएगी, बट अब मैं सिंस इसको अपनी जीन्स के ऊपर से पहनने की कोशिश कर रही हूँ तो इसमें इनफ होल्स नहीं है। सो आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ बिकॉज अगर मेरी पैंट निकल गई तो कुछ हो जाएगा। वेल आई होप कि ना निकले, इतनी भी लूज ये नहीं है मेरी जीन्स, बट
अगेन आई वॉज ट्राइंग टू लाइक सिक्योर इट और समथिंग, बट अब इस बेल्ट का कुछ हो नहीं सकता है. एंड आई डोंट नो कि यहाँ पे एडिनबरा में ऐसा होता है या नहीं होता है, बट हमारे इंडिया में तो अगर आपको अपनी बेल्ट लाइक टाइट करवानी हो या छोटी करवानी हो, यू यूजली गो टू लाइक अ बेल्ट शॉप. बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ऐसा है या नहीं है, सो आई माइट हैव टू गूगल इट. सो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है कि मैं क्या करूँ इसके साथ या इसमें मैं एक्स्ट्रा छेद कैसे करूँ, सो प्लीज डू टेल मी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक यू कैन गाइज लुक एट माई आउटफिट, सो लेट मी जस्ट मूव अ लिटल बैकवर्ड बिकॉज आई डोंट थिंक स्टाइल से आएगी. सो इफ यू गाइज कैन सी, दिस इज माई आउटफिट एंड दिस इज माई रूम, द कबर्ड एंड एवरीथिंग. अब बस बाल रह गए हैं दोस्तों और मैं ऑलरेडी लेट हूँ, जो कि मुझे पता है कि अब उसमें कुछ हो तो सकता है नहीं है, सो देयर इज नो लाइक नीड टू डू एनीथिंग. लाइक अगर मैं एक्चुअली में बताऊँ तो आई डोंट नो कि मेरे बाल कैसे हैं, आई डोंट नो कि ये वेवी हैं कि ये कर्ली हैं कि ये स्ट्रेट हैं, बिकॉज सम डे दे लुक लाइक फिनोमिनल और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे चुड़ैली बन गई हूँ मैं. एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक थिंकिंग टू गेट अ हेयर कट हेयर बिकॉज मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन मेरे डाउनफॉल से भी ज़्यादा. सो आई वॉज थिंकिंग टू गेट अ हेयर कट लाइक टू गेट लाइक अ मीडियम लेंथ लाइक दिस, सो दैट मेरे को ज़्यादा रिग्रेट भी ना हो कि मैंने फिर से बाल कटवा लिए जबकि मैंने अभी कटवाए थे लाइक सेप्टेम्बर में लास्ट. बट द हेयर कट विल कॉस्ट मी लाइक अराउंड 35 pounds विच इज एग्जैक्टली लाइक 3500 INR एंड आई डोंट थिंक कि मैं इतना स्पेंड करने को रेडी हूँ बिकॉज ये एक हैबिट है आई थिंक जो मेरी नहीं जाने वाली, टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन लाइक इंडियन रुपीज बिफोर कैलकुलेटिंग एनीथिंग. सो आई डोंट नो, ऑल्सो किसी के पास हेयर फॉल रोकने के लिए कुछ सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ बताना बिकॉज आई नीड इट डेस्परेटली, वरना तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे बाल बचेंगे यहाँ पे. और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी पता नहीं क्या होगा इनके साथ. सो आई एम ऑलरेडी, ओनली द थिंग दैट इज लेफ्ट इज लाइक टू अप्लाई अ गुड लिप बाम बिकॉज यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद लिप बाम और एनीथिंग. सो आई एम अप्लाइंग दिस वन, आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. सो दिस आई बॉट फ्रॉम जूडियो फॉर ओनली ₹20. सो दिस इज लाइक इन बबल गम फ्लेवर एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाइक नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग लिप बाम. लाइक इट स्मेल्स गुड टू एंड लाइक इट लिटरली मेक्स माई लिप्स प्लम्पी, विच आई डोंट नो वाई दे फील लाइक कि मेरे में खून नहीं है. वैसे नहीं है, आई एम एनेमिक, बट दे मेक्स हिम लुक रियली प्लम्पी. सो आई गेस नो वन कैन नो कि मेरे अंदर खून है या नहीं है. सो देन आई ऑल्सो अप्लाई दिस लिटिल बाम अ लिटिल बिट ऑन माई चीक्स बिकॉज नेचुरल ब्लश कांट गो रॉन्ग अगेन एंड विद दैट आई एम रेडी. सिर्फ बाल बनाने रह गए जो आई डोंट थिंक इस जन्म में मेरे बनेंगे बिकॉज वट एवर आई डू एवरीथिंग गोज रॉन्ग विद माई हेयर. एंड यहाँ पे आप खुले बाल तो बिल्कुल नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ ऑल दी विंड्स एंड ऑल दैट स्टफ. मतलब यहाँ इतनी हवा चलती है ना कि एक बार तो मेरे बाल पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ गए थे एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि मेरे सर पे बाल ही नहीं बचे हैं. या आई नो आई टॉक अ लॉट बट इट इज़ वॉट इट इज एंड यू पीपल कैन laugh at my misery or something but I am a talkative person and I keep talking no matter what happens. like मेरे को तो ऐसा लगता है ना कभी अगर मैं अर्थक्वेक में भी फंसी होंगी ना तो मुझे सिर्फ बातें करना सूझेगा कि please talk to me to calm me down because I don't think otherwise I can calm down. वाह, if even that makes sense. like मेरी बातों की मेरे अलावा किसी को सेंस नहीं लगती बट चलो एटलीस्ट मुझे खुद को तो लगती है. And I think that's sane enough. I don't know मैंने तेरे नाम वाली जुल्फे क्यों निकाल ली है बट उसके बिना चंपू लगना था मैंने. So I'm just मेरे को लगता है मेरे कंधों में भी जान है या मेरे हाथों में बिकॉज
दुख रहे हैं यार सिर्फ इतना सा करने से। ओके अब रह गया मेरा चश्मा, आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिया है। ऑल्सो गाइस क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप अपना चश्मा रख के भूल जाते हो? बिकॉज मेरे साथ इंडिया में भी ये चीज़ बहुत भाग होती थी। आई यूज टू कीप फॉरगेटिंग माई स्पेक्टिकल्स कहीं पे भी रख के, एंड देन देयर वॉज दिस वन टाइम इफ माई फ्रेंड्स रिमेंबर, बिकॉज मैं गर्ल्स कॉलेज में थी, सो आई वेंट टू माई एग्जाम विदाउट माई स्पेक्टिकल्स एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड बिकॉज मेरी जो चश्मा है वो दूर का, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे थे एंड आई वॉज मिजरेबल एज व्हाटएवर एंड मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट स्टिल I passed that exam and what not. So yeah, with that I'm all ready. Do you think ये तेरे नाम वाली जुल्फे लग रही है या नहीं लग रही? Because I still feel ये तेरे नाम वाला हेयर कट लग रहा है। I don't know इस बार उस बंदे ने कैसा हेयर कट किया मेरा कैसा नहीं, but it's not looking good at all. But we cannot do anything and ठीक है बस अब चल। अब हम गाइस लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे 0 फ्लोर पे, बिकॉज मैं 6 फ्लोर पे रहती हूँ, जिन फैमिली के साथ मैं रूम शेयर कर रही हूँ। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इंटरनेशनल पीपल, इंटरनेशनल स्टूडेंट, अपना बैग कभी किसी को टच मत करने देना एंड ऑलवेज मेक श्योर यू ऑलवेज हैव योर बैग, बिकॉज यू नो अपने बैग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, व्हाटएवर इट इज, व्हेदर इट्स अ पासपोर्ट और एनीथिंग। और ये अब हमारी लिफ्ट खुल गई, अब हम जाते हैं। आई डोंट नो कि इसमें बैक कैमरा कैसे होता है, एक बार आप वीडियो स्टार्ट कर लो। ऑल्सो किसी को आईफोन का कुछ भी आइडिया तो मुझे जरूर बताना। एंड ये हमारी स्टेयर्स और वो हमारा दरवाज़ा, टेक्निकली व्यू है मेरी बिल्डिंग से निकलते ही, लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल कि तुम बता नहीं सकते हो। अगर तुम इस साइड चले जाओगे तो तुम्हें एक लेक मिलेगी जो मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगी फिर कभी, बट इफ़ यू लुक एट दिस लाइक ट्री, लाइक ये कितनी प्रिटी लग रही है, आई डोंट थिंक तुम लोग इसको देख सकते हो, बट इट सीम्स लाइक कि फ्रॉस्टिंग हुई है। अब हम अपने क्या कहते हैं उसकी तरफ, बस स्टॉप की तरफ जाते हैं एंड देन आई विल शो यू कि मैं किस बस में बैठी एंड ऑल दैट स्टफ। तो पीपल हम धक्के खाते खाते पहुंच गए हैं, वो वाला हमारा बस स्टॉप है, जाना हमने उस वाले पे था बट वो आउट ऑफ पता नहीं क्या है, तो हमें उस वाले पे जाना पड़ेगा। और उस वाले बस स्टॉप पे पहुंचने के लिए ये जो आपको ये दिख रहा है ये गोल सा, यहाँ से हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा, पहले हमें ये बटन दबाना पड़ेगा, फिर वो जो लाल गाड़ी आ रही है वो रुक जाएगी एंड देन हम फिर रोड क्रॉस करेंगे, फिर रोड क्रॉस करने के बाद हम वहाँ जाएंगे, फिर हम अपनी बस लेंगे। सो पीपल ये वो है कि जिसमें आप अपनी बसेस देख सकते हो कि कौन सी बस कितने टाइम में आती है एंड यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे हमने 45 बस नंबर में जाना है तो 45 वाली बस 3 मिनट्स में आने वाली है और फिर 3 मिनट्स में सामने से हमारी बस आएगी और हम जाएंगे। तो रखने के लिए मैंने बस ले ली है और ये है स्ट्रगल ऑफ बीइंग चश्मेश, यहाँ पर चश्मा खराब हो जाता है बारिश में और हमें कुछ में बैक कैमरा करना नहीं आता, सो हैव टू मेन अलग वीडियो टू शो यू ऑल द व्यू ऑफ द बस। और मैं इतनी स्लो इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि कोरे मेरे को देख लो और मैं सेल्फ कॉन्शियस सोच रहा हूँ, लेट मी शो यू द बस व्यू। तो ये है बस, ऐसे दिखती है लाइक द दिस इज़ द रिजर्वेशन फॉर ओल्ड पीपल, लेकिन हम यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि मुझे तुम लोगों को व्यू दिखाना था। सो दिस वॉज टेक्निकली द बस स्टॉप जिससे हमने बस लेनी थी, बट सिंस इट इज़ क्लोज सो यू हैव टू यूज़ दी ऑल्टरनेटिव। और अब हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, सो जब यूनिवर्सिटी आएगी आई विल शो यू दैट। ओके गाइस हम अपने कॉलेज पहुँच गए हैं एंड टेक्निकली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा बस स्टॉप है, बट ये बिल्कुल हमारे कॉलेज के नीचे है एंड देन हमें यहाँ से स्टेयरकेस लेने जाने पड़ती है कॉलेज के लिए, बिकॉज आर कॉलेज इज़ ऑन अ हिल। सो अब मैं यहाँ से धक्के खाती जाऊँगी बिकॉज मुझे चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंडिया में क्या था, घर वाले एकदम कॉलेज के गेट के सामने उतारते थे और वहाँ पे कोई ऐसी हिल भी नहीं होती थी, तो जिस दिन से मैं आई हूँ सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, और चलना तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बट अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। ऊपर उस चोटी पे वो गाना नहीं है, वे पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, वही वाला हाल हो रहा है मेरा, पहाड़ों जंगलों में जा रही हूँ मैं पढ़ने। इतना स्ट्रगल अगर मैंने इंडिया में कर लिया होता ना, कसम से अंबानी के साथ बैठी होती मैं, पर चलो यहाँ पे कर लेते हैं। सो गाइज ये पार्किंग है, ठीक है, यहाँ पे यूजुअली लाइक प्रोफेसर्स वगैरह पार्क करते हैं, और ये गॉथिक सा दिखने वाला मेरा कॉलेज है, तो ये मॉडर्न भी दिखता है पर ये उस साइड से दिखता है मॉडर्न, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी। गाइज ये मेरा मॉडर्न लुकिंग कॉलेज जो कि अंडे की शेप का दिखता है, ठीक है, और वो पहाड़ है, ये जंगल टाइप्स है, तो
तो मैं लिटरली पहाड़ों के ऊपर और जंगल के पार आ रही हूँ सिर्फ दो क्लासेस अटेंड करने, जो कि 2 घंटे की हैं। एक वो भी पार्किंग है गाइस, वो भी बेसिकली लाइक प्रोफेसर्स के लिए ही है, बट आई डोंट नो कि शायद स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, बट मैं तो इतनी अमीर हूँ नहीं कि मैंने अभी गाड़ी ले ली है गाइस, लेकिन आई होप बाकी स्टूडेंट्स हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी, और अंदर से अब मैं बाद में दिखाऊंगी बिकॉज हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। पीपल, ये है मेरा कॉलेज अंदर से, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट ऐसे ब्यूटीफुल वाली कोई बात है नहीं। और ये मेरा बिजनेस स्कूल जहाँ मैं MBA पढ़ने आई हूँ, एंड दैट इज़ लेवल 2, और हमारी क्लास शायद उस डोर के पीछे है, सो लेट्स सी। मेरी क्लास है बाहर से, अभी हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर ऑलरेडी बच्चे बैठे हैं। ये पीपल मेरा क्लासरूम है, इतना सुंदर सा। अभी मेरे सर आए नहीं है और वो वहाँ खड़े होकर पढ़ाएंगे। अभी मेरी क्लास में कोई भी नहीं आया सिवाय मेरे। तो पीपल, मैंने सोचा था ना कि मुझे खाने खाने का टाइम मिल जाएगा, बट टेक्निकली मुझे खाने खाने का टाइम नहीं मिला बिकॉज जब तक मैं रेडी हुई तब तक ऑलरेडी लाइक 9:45 समथिंग हो चुके थे, और मुझे 15 मिनट में बस स्टॉप भी पहुँचना था। सो आई हैव नॉट टेक्निकली ईटन एनीथिंग ऑल इन द मॉर्निंग, और मुझे एक बहुत ज़्यादा हॉट चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है। खाने शुरू हो गया तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी और मैं एक एक मोमेंट को रिग्रेट कर रही थी क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे प्रोफेसर क्या बोल रहे। वैसे तो ये प्रोफेसर टेक्निकली इंडियन है, लेकिन आधी बातें इसकी समझ में नहीं आती, आधी बातें इसके मुँह में रह जाती हैं, और जो थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आता है वो मैं रियलाइज़ करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स में पहले ही पढ़ रखा है। अब मुझे ये भी रिग्रेट हो रहा है कि क्या मैंने सही कोर्स ले लिया है, बिकॉज जो ये लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे UK में, हमसे इतने पैसे लेंगे, वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि मेरे आज ग्रुप्स बनने थे, आज फिर ग्रुप्स बने, और ये मेरा ग्रुप था और ये बहुत अच्छा ग्रुप था। मैं काफ़ी सैटिस्फाइड थी अपने ग्रुप से, और मेरे ग्रुप में काफ़ी फ़नी लोग भी हैं। एक जोशवा है जो मेरे साथ बैठा है ब्लू जैकेट में, उसका नाम अभिषेक है। जो मेरे लेफ्ट साइड पर बैठी है लड़की, उसका नाम प्रिया है। और टॉप का राइट कॉर्नर में दूर 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 जो बैठा है उसका नाम विजम है। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद इट, एंड वी लव्ड लॉट, एंड वी टॉक्ड एवरीथिंग कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एंड वी आर ऑल्सो रिग्रेटिंग इट कि हमने क्यों ले लिया MBA। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद हम अपनी सेकंड क्लास में गए, और ये मेरी सेकंड क्लास मेरी फर्स्ट क्लास से भी बोरिंग थी। इट इज़ काइंड ऑफ अ क्लास जहाँ पे हमें रिपोर्ट्स लिखना सिखाते हैं अपने MBA प्रोजेक्ट के लिए, एंड इट इज़ वेरी 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 बोरिंग। और मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मुझे 2 शुगर के पैकेट्स खाने पड़े, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे बस सीधा फ्लैट हो जाऊँगी, और मैं अपने आप को एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। और सिर्फ यही नहीं, मेरा फ़ोन बार बार गिर जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा गिर रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे साइड पर रखूँ। और मैंने इस स्लॉट में लास्ट के 15 मिनट्स में अपने दोस्तों से इतनी बातें की, इतना हंसी में कि मैं कुछ कह नहीं सकती थी। और ये जो गोरा बंदा आपको दिख रहा है, ही इज़ माई प्रोफेसर। फाइनली तब मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है 4 घंटे के संघर्ष के बाद। लाइक ये वाली क्लास 2 घंटे की थी, बट इसको ख़त्म होते होते 4 ऐसा लग रहा था जैसे जीवन भर चली जाएगी ये। और अब इसके बाद मैं होपफुली एक हॉट चॉकलेट पीऊँगी बिकॉज गोरा मेरे को बता दिया कि मैंने ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे ईमेल का रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एंड आई फाइनली गॉट माय हॉट चॉकलेट बिकॉज इट्स दी ओनली थिंग दैट कैन गेट मी इनसेन। एंड मैं इतना सोई इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग मुझे देख रहे हैं, और मुझे सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाती है जब मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, और देख भी सारे अंग्रेज लोग ही रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने भी हॉट चॉकलेट ही ली है। अब जब मैं बस में बैठूंगी तब बनाऊंगी, ठीक है, बिकॉज अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं चलते चलते बात कर सकूं। फिर मेरे को सांस चढ़ जाएगा, फिर मेरे को अपना इन्हेलर लेना पड़ेगा, और मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इन्हेलर भी लूं बिकॉज टेक्निकली मैं अपना इन्हेलर घर पर भूल गई। तो मैं बस में बैठ गई हूँ, और ये बस नंबर 4 है। इस बस को एग्जैक्टली 1 hour 20 minutes लगते हैं मेरे घर तक पहुँचने में, एंड देन उसके बाद मुझे 10 मिनट्स वॉक भी करना पड़ेगा। सो आज तो मैं बैठूँगी और चॉकलेट पीऊँगी, बाहर का व्यू देखूँगी जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार देख रखा है। फिर घर पहुँचूँगी अब मैं, और इतनी स्लो में इसलिए बोल रुक कर बैठ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट अपने बस स्टॉप पर उतर गए बस से, अब मैं घर पैदल जा रही हूँ। तो इट्स अ लिटली अ 10 मिनट वॉक, बट 10 मिनट भी मैं इसलिए बोलूँगी बिकॉज मैं बहुत स्लो चलती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी छोटी लातें तेज़ नहीं चल सकती हैं। सो आज का दिन ठीक था,
कुछ ज़्यादा हैपनिंग हुआ नहीं, बट जिस हिसाब से लाइफ जा रही है आई थिंक हैपनिंग होता ही रहता है, बट आज कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं हुआ विच आई एम ग्रेटफुल फॉर, बिकॉज पिछले 2 हफ्तों से इतना सब कुछ हैपनिंग हो रहा था कि मैंने लिटरली कल भगवान को प्रे की कि भगवान ठीक हैपनिंग लाइफ चाहिए थी बट इतनी हैपनिंग नहीं चाहिए थी। सो या इट वॉज अ नाइस डे। अब देखते हैं घर जाके क्या करना है बिकॉज आई हैव अ टन्स ऑफ असाइनमेंट्स एंड पीपल। विद डैट मैं घर पहुंच गई धक्के खाते खाते और अब मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। आई नो मेरे रूम की लाइटिंग बहुत बैड है बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इससे ज़्यादा बेटर लाइटिंग मिलेगी नहीं और मैं अपनी रिंग लाइट लेके आई नहीं हूँ यहाँ पे, सो जब तक मेरे पास थोड़े पैसे आ नहीं जाते मैं रिंग लाइट कमा नहीं लेती, सो दिस आई हैव टू डू। एंड विद डैट अ वेरी गुड नाइट एंड बाय टू यू। वेल इट्स नॉट टेक्निकली गुड नाइट बट जस्ट मैं खाना खाऊंगी, अगर कुछ मन किया तो कोई सीरीज़ देखूंगी वरना मैं सो जाऊंगी बिकॉज आई एम रियली रियली टायर्ड, क्योंकि मुझे दोपहर में नैप लेने की आदत है बट आज मैं नैप नहीं ले पाई क्लासेस की वजह से, सो आई एम जस्ट टायर्ड। लाइक मेरी आंखें भी कह रही है कि बहन सो जा तू बहुत हो गया तेरा, सो आई विल जस्ट ईट समथिंग एंड स्लीप। सो वेरी गुड बाय टू यू गाइज। आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया हो एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरे ऊपर थोड़ा सा तरस आया हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज का मेरा दिन कैसा लगा आपको, एंड इफ़ यू वॉन्ट समथिंग एल्स डू टेल मी ऑल्सो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी। ओके बाय।